सारे इलाके के मुख्य अतिथि मर्जेश्वर सिंह सबसे पहले जो है मुख्य अतिथि पहली प्रथम टूर्नामेंट जो है वो की जा रही है, तो एक मैसेज देना चाहते हैं जहाँ के जो कमेटी के मेंबर है, जहाँ के नौजवानों को खेल की तरफ उसकी खिलाड़ियों के साथ उनका जो तारीफ है वो आज के मेहमान है खसूसी और उनके साथ भी आज के तारीफ करते हैं। एक खिलाड़ियों के अंदर मैसेज आता है कि हम वहाँ का टूर्नामेंट खेली थी और हमारे साथ मैच जो इस तरीके से शुरू हुआ, तो आज के उस युग में उसने एक अपना पंच सूरज नारा जी, प्रमोद सिंह जी, लाल शर्मा जी था, तमाम कमेटी मेंबर्स थे, उनकी अध्यक्षता में ये ध्वज यहाँ पर लगाया गया। आज वो हमारे बीच में नहीं है, स्वर्गीय महेंद्र सिंह जी भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और स्वर्ग में जगह दे। बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर आकर इस सारे लोगों की मेहनत से, सारे गांव वासियों की मेहनत से ये स्टेडियम इन्होंने अपने जेब से तैयार किया है। मैं आपको बता दूं कि स्पोर्ट्स काउंसिल जम्मू एंड कश्मीर से मैंने गुजारिश की है, एक पत्र भी लिखा है उनको कि यहाँ पर हमें एक स्टेडियम दिया जाए, मिनी स्टेडियम दिया जाए, इंडोर स्टेडियम दिया जाए, कुछ भी जो हमारे बच्चों को यहाँ पर खेलने में सुविधा दे। उसे तमाम नौजवान पीढ़ी को, प्रेस के माध्यम से तमाम नौजवान पीढ़ी को आश्वस्त करता हूँ यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा स्टेडियम बनेगा और गुजारिश करता हूँ उस नई पीढ़ी से कि खेल कूद में रुचि रखें, अपना स्वास्थ्य पर ध्यान दें, अपनी बॉडी बिल्डिंग करें और नशे से दूर रहें। आज के इन और इस ऑर्गेनाइजिंग की टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सभी सदस्यगण, तो इस मौके पर मैं जैसा कि मुझे हुक्म हुआ है कमेटी की तरफ से कि मैं आज के मुख्य मेहमान का, आपने ये मसला पहले ही टेकअप कर रखा है और हो सकता है कोई ना कोई इंटरनेशनल लेवल पर भी पहुंच जाए, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं तस्करा में आज टूर्नामेंट शुरू हुआ। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं जो आज हम ये त्रैड़ा स्टेडियम है, त्रैड़ा स्टेडियम बनोटी, हमारी कमेटी है 20-25 मेंबर की, हम बैठे बैठ के एक सलाह की, क्योंकि जो आज का जमाना है देख के पे नशे की तरफ सब जवान जो जा रहे हैं उनको देखते हुए मैच कबड्डी का वॉलीबॉल का रखा है। वॉलीबॉल की टीम जो है वो भी स्टेट की है, बाहर की भी आ रहे हैं, नेशनल टाई हुई है। कबड्डी की टीम है जो वो नेशनल के प्लेयर आ रहे हैं, तो हमने ऐसा सोचा और इसको ग्राउंड को बनाया, स्टेडियम को बनाया, इसका हमने नाम रखा है त्रैड़ा स्टेडियम बरनोटी। तो प्लेयर आ रहे हैं, खेल रहे हैं, मैच आ रहे हैं। क्या देखते हैं ये जो युवा हैं यहाँ पे खेलों में हिस्सा लेकर? हाँ, यही बात है, हमने रखा इसलिए भाई इनको देखे खेलते हुए, बच्चे बच्चे खेल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे 10-20 साल के, 19 साल के बच्चे खेल रहे हैं, दूसरे बच्चे भी खेलें, उनका भी मन मोल्ड हो, जो नशे की तरफ से, नशे की तरफ से मोल्ड हो गए, खेलों की तरफ लगे, उनकी सेहत बने, माँ बाप का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें, तो इससे अच्छा और क्या बोले हम। जय हिंद, जय भारत। सर, मैं सब सुना के ये टूर्नामेंट हुआ करती है, मकसद क्या है?
पहली गल है भी तुहानू बहुत मुबारकां इस किस्म टूर्नामेंट जो तुम कवर करने आए हो। अस एक कमेटी त्रिहाड़ा स्टेडियम नाँ की बनाई दी असें अस टूर्नामेंट लिए चले हाँ वालीबाल कम कबड्डी दोनों की। साड़ा मेन मकसद यह है जी साड़ी है यंग ब्लड यंग पीढ़ी जो जवान मुड़े ने वो जो नशे की तरफ जा रहे हैं असी उन्हें ये गेमां करवाइए उन्हें इसे अस डाइवर्ट करना इस तरीके ने रुझान जरा जरा हो गेमें हो क्रिकेट हो कबड्डी हो वालीबाल हो जी भी गेम हो स्पोर्ट्स ही अपना कैरियर बना क्योंकि पहले पहले स्पोर्ट्स कैरियर लिया अच्छा स्पोर्ट्स बड़ा जबरदस्त कैरियर होंगे है और बच्चे इस वास्त स्पोर्ट्स से अगर लिया और साड़ी तरफा इे गै रही है कोशिश रही है भी जो नौजवान पीढ़ी है वह जो नशे तरफा वो ज्यादा झुका दी है क्योंकि साढ़े कन्नै जो सा डिस्ट्रिक्ट कठुआ ये कन्नै हिमाचल का बार्डर लगता ये कन्नै पंजाब का बार्डर लगता ये कन्नै पाकिस्तान का बार्डर लगता और उन्हें तुम भी जानते हो या सारे जानते हो कि वह जरा हिंदुस्तान का जरा जवान बच्चे ने या यंग पीढ़ी है उसी बर्बाद करने से बड़े बड़े इं षडयंत्र रचा देने असें इस चक्कर च लेइए भी ये जरा सा यंग ब्लड है ये नशे को दूर होगा और स्पोर्ट्स की तरफ आवे असें इे इनिशिएटिव लिया और असी अपने गै को सारी जी कमेटी बनाई दी है अपने को एक स्टेट लैवल दी को टीम आवा दी साढ़े को जे एंड के स्टेट दी टीम भी आवा दी बाहर दी कबड्डी साढ़े को हरियाणा टीम भी आवा दी है पंजाब दी भी आवा दी जे एंड के भी हैं हिमाचल टीम भी है कबड्डी बट ये टूर्नामेंट जी वालीबाल दी है ये सानू बड़ा अप्रोच किया हरियाणा जे वो है बट असें पहली बारी करा ने ये साड़ा अच्छा अनुभव रहा तो अस अगले बारी इसी मतलब अगर और बड़े जी नैशनल लैवल तकर अं ले टीम करागे और मैं ये करा भी जो सा कमेटी है वह सारे का गई है बड़ा रुझान है इस तरफ बच्चें की थोड़ा इस तरफ डाइवर्ट किया जा मैं अपनी तरफा और अपनी कमेटी तरफा सारी जवानी पीढ़ी ये एक संदेश देना चाहना कि तुम पढ़ाई की तरफ और स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान दो बाकी चीज़ छोड़ो। जय हिंद जय भारत।